मूलभूत सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गई गुहार। खबर चितरंगी विधानसभा से, जहां पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी का चितरंगी मुख्यालय में आगमन हुआ, जहां पर बगदरा अभ्यारण इकाई के ग्राम पंचायत नेकहवा के लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगाई। बताते चलें कि आज़ादी के बाद भी आज तक सड़क बिजली पानी की सुचारू ढंग से व्यवस्था नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी रेड फ्लैग जिला सिंगरौली के सचिव जागेश्वर पाल ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया। प्रस्तुत है विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, ग्राहक सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आया था चितरंगी में, मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, और यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग आए हुए थे। जी मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। जागेश्वर पाल मेरा नाम। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नेकहवा ग्राम पंचायत से। अच्छा अच्छा, आप यहाँ क्या क्या उम्मीद लेकर के आए थे? क्या कुछ आपने मांगा, क्या कुछ आवेदन दिया, क्या कैसे? आवेदन तो सर हम लोग जाने नहीं दिया गया, वहाँ से लोग दिया गया। आवेदन तो नहीं दे सके जी, लेकिन कुछ कागज उगर जैसे हो सका पहुँचाया गया वहाँ का किसी दूसरे के माध्यम से। मेन समस्या थी हमारे यहाँ गाँव में विद्युतीकरण आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, आजादी से 64 वर्ष। आपने आवेदन जमा कर दिया जी? अच्छा, और क्या क्या चीजों का आपने आवेदन जमा किया? हमने आवेदन जमा किया रोजगार के लिए और सड़क के लिए और पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली की व्यवस्था हमारे गांव में नहीं। अच्छा, तो कुल आपके गांव से कुल कितने लोग आए हुए थे मांग करने के लिए? कम से कम 250 लोग आए। अच्छा, मांग करने के लिए जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जी जी हाँ, तो अब हो सकता है कि यदि आपका आवेदन मुख्यमंत्री महोदय तक जाए तो जरूर उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद और आप क्या कहना चाहते हैं? और हम क्या कहना चाहेंगे और कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और जबरदस्त रोड पे बैठेंगे। अब यही हमारे पास चारा है। धन्यवाद, बने रहिए अगले ब्रेक के लिए। आपने देखा कि जागेश्वर पाल ने अपने ग्राम पंचायत के लोगों के हित के लिए आवाज उठाई है और लोगों ने, मैं कैमरा में चाहूंगा कि इधर दिखा दे लोगों को, लोगों ने इनका साथ दिया है। ये सब लोग वहाँ से आए हुए थे, तो बने रहिए।